हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। दोस्तों, नर्सिंग की कोई भी ऐसी वैकेंसी, कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं रहेगा आपसे जो आपको पता ना हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से करें, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक न्यू अपडेट के बारे में बताते हैं। ये जो अपडेट रहने वाली है, नवोदय विद्यालय समिति यानी कि सीधी भर्ती जो 2022 की निकाली गई है, यहाँ पे पद 1925 प्लस पद थे, उसके रिगार्डिंग एक नए नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है दोस्तों, वो हम आगे वीडियो में आपको सिक्वेंस से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, ये नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस जारी किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसकी डेट डाली गई है 21/2, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तो क्या बताया गया है नोटिफिकेशन में दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा उनकी जो है दोस्तों एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जारी कर दी है, कब एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे आपको पता होगा 16 जगह यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। जैसे आप देख सकते हो, पहले पे स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, स्टेनोग्राफर, उसी तरीके से यहाँ पे जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट यानी कि 16 डिपार्टमेंट हैं, इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। तो उनके अलग अलग डेट को यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम कब होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों फीमेल स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम डेट है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका, ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे फीमेल की ही ये वैकेंसी निकाली गई थी साथियों। उम्मीद करता हूँ जितने भी फीमेल्स ने ये फॉर्म फिलअप किया था, उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और उनके लिए गुड लक। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छा हो ऐसी हम कामना करते हैं। दूसरी बात, एग्ज़ाम दोस्तों 8 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए पहले से ही बधाई हो। यहाँ पे आपके लिए बताया गया है दोस्तों, देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं। नोट लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, यहाँ पे जो है आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जो वेबसाइट है इसकी ऑफिशियली, उस पर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है दोस्तों, जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसके द्वारा ही जो है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नो सेपरेट एडमिट कार्ड शैल बी इश्यूड थ्रू पोस्ट, आपका जो है पोस्ट के थ्रू आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, आपको जो है ईमेल के द्वारा आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ऑनलाइन जो है मिल जाएगा। दूसरी बात, ई एडमिट कार्ड विल कंटेन डिटेल बाई नेम एड्रेस एग्जामिनेशन सेंटर, उसमें आपका नाम होगा, एड्रेस होगा एग्जामिनेशन सेंटर का, उसके बाद में टाइमिंग होगी, उसके बाद में रिपोर्टिंग टाइम एट एग्जाम सेंटर, एंट्री गेट, क्लोजिंग टाइम, वो सारी जानकारी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगी। एडमिट कार्ड को एक बार आप अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ लें, क्या टाइमिंग है उसमें, क्या सारी कंडीशंस उसमें लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिएगा, कोई अलग से नोटिफिकेशन ऐसा नहीं होता है, सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होंगी मुझे लगता है, और आपकी जो भी क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो उनका जवाब दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के स्पेशल वीडियो में ये जानकारी प्रोवाइड करवानी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पहले ही मिल गई होगी, लेकिन नहीं मिली है दोस्तों उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से दोस्तों, इस चीज़ में आपको इसमें बता दूँगा, आपकी जो सैलरी है दोस्तों शानदार सैलरी रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी है ये, लेकिन स्पेशल फीमेल्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए, जो कि एक नई अपडेट के साथ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।